गाइस, तो गाइस आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग पर। तो गाइस मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मिक्स वीडियो यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज है गुरुवार। तो गाइस आज हम जा रहे हैं शेर जंग वाले बाबा की दरगाह, जो कि आगरा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। तो गाइस ऐसी मान्यता है वहाँ की, कभी किसी ज़माने में वहाँ पर शेर बाबा को सलामी देने आता था, इसी कारण से उनका नाम शेर जंग वाले बाबा पड़ा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आज आपको बाबा का दीदार कराते हैं। तो गाइस काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो गाइस इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए दोस्तों आज गुरुवार है, बाबा का दीदार कराते हैं आपको। तो आज देख सकते हैं मेरे ये बाल है, जो मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ तो इसी कारण से मेरे बाल थोड़े खड़े हुए हैं। तो गाइस ये मैंने कुछ किया नहीं है, तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और कराते हैं आपको बाबा जी का दीदार। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शेर जंग वाले बाबा की दरगाह। आप पीछे मुझे देख सकते हैं बैक में दरगाह है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाजार लगा हुआ, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, काफ़ी संख्या में लोग माता टेकने के लिए आते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों मैं अपना बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि और आपको अच्छे से दिखा सकूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं बाबा जी के आपको दीदार कराते हैं। सो गाइस हमने ले लिया प्रसाद बाबा की मज़ार पर चढ़ाने के लिए। दे सकते हैं आप एक मालाएँ और कुछ अगरबत्तियाँ, कुछ प्रसाद है इसमें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और बाबा जी का दीदार करा दें आपको। तो गाइस दे सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाजार है और बाबा की मज़ार पर चढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चादरें मौजूद है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और दीदार कराते हैं आपको। सो गाइस देख सकते हैं अब ये बाबा के मज़ार के बाहर का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और बाबा की मज़ार के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको सारा का सारा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाबा की मज़ार पर अंदर की तरफ। Thank you.
सो गाइस हमने बाबा की मज़ार का दीदार तो कर लिया। चलिए दोस्तों बाबा की मज़ार के आसपास का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हैं बाबा की मज़ार के जो कि लेफ़्ट साइड में कुछ मज़ारें छोटी छोटी बनी हुई आप देख सकते हैं। ये कुछ मज़ारें हैं, ये 3-4 मज़ारें हैं छोटी छोटी आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का साइड का नज़ारा है जो कि लेफ़्ट साइड में बना हुआ है, तो गाइस देख सकते हैं। तो गाइस चलिए दोस्तों अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का सीन दिखाते हैं आपको। बाबा की मज़ार जो भी बनी हुई है उसको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहली मंजिल पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सीन है ऊपर का जो भी पहली मंजिल पर ही है। सो आइए देख सकते हैं आप ऊपर का सीन कुछ इस प्रकार है। तो देख सकते हैं ये नीम का पेड़ लगा हुआ है और बाबा के सामने मज़ार है, देख सकते हैं ऊपर का जो सीन है बाबा की मज़ार है जो। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो वह देख सकते हैं आप जो कुछ ऊपर कमरा सा बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों एक ऊपर एक और है छत, उस पर भी चल के दिखाते हैं आपको ऊपर का सीन। तो भाई ऊपर का सीन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बाजार है, मार्केट लगा हुआ है और काफ़ी घर भी बने हुए हैं। सामने देख सकते हैं बाबा की मज़ार। तो भाई चलिए ऊपर ही चलते हैं, पूरे छत पर दिखाते हैं आपको। तो भाई फाइनली हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं बाबा की मज़ार पर। तो भाई देख सकते हैं ऊपर का सीन है, सामने देख सकते हैं आगरा मथुरा हाईवे। तो गाइस कुछ दुकानें हैं जो दिख रही हैं आपको। तो गाइस ये बाबा की मज़ार, और गाइस देख सकते हैं पीछे काफ़ी ज़्यादा मकान या घर भी बने हुए हैं। तो गाइस ये ऊपर का सीन कुछ इस प्रकार है। तो गाइस ये था वीडियो बाबा की मज़ार जो कि है आगरा मथुरा हाईवे पर शेरजंग बाबा। तो गाइस वीडियो अच्छा होता है लाइक कर दें और चैनल को ले सब्सक्राइब। तो गाइस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि बाजार था जो भी सारा हमने दिखा दिया आपको। तो गाइस वीडियो अच्छा होता है लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ ही साथ। और गाइस कमेंट पे आप आगरा की कुछ फेमस जगह देखना चाहते हो उसके बारे में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तभी नमस्कार।